3.5 अपडेट के दो मेन इवेंट्स आपको इन दो लोकेशंस पे देखने को मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं 3.5 अपडेट की तरफ। 3.5 अपडेट के मेन इवेंट्स मुकम्मल तौर पर चारों साइडों से बर्फ से घिरे आपको नजर आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ शो हो रही है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको 3.5 अपडेट की जो न्यू व्हीकल है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जो न्यू व्हीकल है आपको 3.5 अपडेट में देखने को मिलने जा रही है। ये आपको इवेंट्स पे शो हो जाएगी, आप इवेंट्स जो है ले सकेंगे। तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं कि इसकी जो रनिंग स्पीड है वो इतनी तेज़ नहीं है, बूस्ट पर भी इतनी तेज़ रन नहीं करती, लेकिन इसके जो है एडवांटेज होगा ये जो है इस डैमेज आस्था होगी। इसको जो हिट करने का ऑप्शन है वो भी शो नहीं हो रहा कि ये किसी को हिट करेगी या नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हीकल जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इवेंट्स पे आपको ये वाला जो हथौड़ा सा बना हुआ है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो बेसिक इसका जो काम है वो होगा कवर के तौर पर काम करेगा। ये जो है कवर आप इससे बना सकते हैं और कवर ले सकते हैं। यह हथौड़ा एक बंदा उठाने के बाद यहाँ पे दूसरा भी आ जाएगा, कोई और बंदा भी सारे उठा सकते हैं। तो ये जो है कवर के तौर पर आप यूज़ करेंगे। इस हथौड़े से आप बंदे को भी नॉक कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक काम है वो कवर बनाने का है। आप इस तरह से इसको यूज़ करके कवर बना सकते हैं। उसके बाद जो न्यू चीज़ आपको इवेंट्स पे देखने को मिलने जा रही है वो एक ये स्पीयर है, उसके साथ एक जो है आतिश वाला है यानी कि फायर वाला है, जिससे को आप यूज़ करके फायर वार कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करने के बाद इस तरह से कुछ फायर वार्क जो है कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद इस फायर के साथ साथ आपको नेक्स्ट जो चीज़ देखने को मिलने जा रही है 3.5 अपडेट में वो होगी ये वाला स्पीयर सा। इसके साथ आप अगले बंदे को हिट भी कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द जो है कवर भी बना सकते हैं। तो आइए इसको करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको यूज़ करने के बाद आपके पूरे इर्द गिर्द जो है कवर भी बन जाएगा और अगले बंदे को हिट भी होगा। थ्री पॉइंट फाइव अपडेट में आपको ये ड्रिंक भी देखने को मिलने जा रहा है। इस ड्रिंक को यूज़ करने के बाद ना सिर्फ ये आपको बूस्ट करेगा, उसके साथ आपके ये फुल किट के तौर पे भी यूज़ होगा, जिसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। आप फिल फॉर अपने आप को बूस्ट भी कर सकते हैं और हेल्थ भी पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये वाला आइटम यूज़ करने के बाद क्या होगा। ये वाला आइटम यूज़ करने के बाद आपके सामने एक गेट्स ओपन ओके आ जाएगा, जैसा कि 3.4 अपडेट में इवेंट पे जाने के लिए गेट आपको दिया गया था। 3.5 अपडेट में ये गेट जो है आपके लिए सीक्रेट रूट के तौर पर काम करेगा। इसको यूज करने के बाद आप जैसे ही इसमें इंटर होंगे आपके सामने जो है एक गार सी बनी आ जाएगी। जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको जो है बहुत सारी लूट जो है देखने को मिल जाएगी। तो आइए तो चलें चेक करते हैं कि ये जो गार सी बनी हुई है किस तरह सी नज़र आती है और इसमें कौन कौन सी लूट आपको किस तरह से देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप लूट अपनी ख़त्म करके इसके करीब आएंगे ड्रैगन सा बना होगा ये गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जैसे ही इस गेट में इंटर करेंगे आप दोबारा जो है जहाज़ में बैठ जाएंगे। आप दोबारा जिस तरह से पहले लैंडिंग करते हैं उस तरह से दोबारा आ जाएंगे। आपकी जो लूट है वो सारी आपके पास होगी, लेकिन आपको दोबारा से जो है लैंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं भी अपनी मर्ज़ी से खुद लैंड हो सकते हैं। साथ साथ मैं आपको तोड़े का जो डैमेज है वो भी दिखाता चलता हूँ। तो आइए चेक करते हैं इसका डैमेज कितना। एक और दो, दो जो है दो वार से अगला बंदा जो है फिनिश हो गया, यानी कि इसका डैमेज जो है वो काफ़ी है, आप अगले बंदे को इजीली मार सकते हैं। अब बात करते हैं इवेंट की मेन लूट की। ड्रैगन जो मिड में आपको शो हो रहा होगा इवेंट के, उसके नीचे होगी आपकी मेन लूट।
अब बात करते हैं कि हमारे पास 3.5 अपडेट में जो और चीज़ें ऐड की गई हैं उन इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्नोवी वेल की तरफ कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या चल रहा है। तो आइए चलते हैं स्नोवी वेल की तरफ। वाह, देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें फाइट करना तो नहीं बनती और ना ही होनी चाहिए, लेकिन आइए चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे ही आप इंटर होंगे तो आपके ऊपर स्नो जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं मज़ीद इसमें क्या है। यहाँ पे जो है विश का जो ऑप्शन शो हो रहा है, नीचे जो है टेबल ग्रुप फोटो का भी शो हो रहा है। तो विश करने के बाद क्या होगा, आइए चलते हैं चेक करते हैं। तो इस तरह से कुछ आप जो है ग्रुप फ़ोटो भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपके और भी फ्रेंड्स बैठे हैं तो यहाँ पे आप ग्रुप पिक्चर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अगर एनिमी भी आ जाते हैं तो क्या यहाँ पे फाइट होगी। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये वेपन नहीं पकड़ रहा। तो यहाँ से जो ट्री है इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लूट भी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप, मेरे पास गन है लेकिन हाथ में नहीं पकड़ रहा। तो इससे ये पता चलता है कि आप इसके अंदर आके जो है गन नहीं पकड़ सकते। तो आइए चेक करते हैं कि गन से नहीं फाइट कर सकते, क्या फिस्ट मार के अगले बंदे को मार सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से मैं इस बंदे को फिस्ट करता हूँ, तो अभी तक तो ये नहीं मरा लेकिन डैमेज हो रहा है, तो ये एंड पे आके मर जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम इसके अंदर गन नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फिस्ट के साथ अगर फाइट करनी पड़ जाए तो कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर से आपको लूट भी जो है देखने को मिल जाएगी, उसके साथ जो है आप ग्रुप फोटो भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जो जगह है 3.5 अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ से जो है आप जो फायर वायर भी कर सकते हैं, यानी कि फायर भी लगा सकते हैं। उसके साथ ये ट्री ओपन करके आप लूट भी ले सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप जो है लाइट ऑन करेंगे तो इसके अंदर लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे ही जो पिक बैक करेंगे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये तीनों चारों जो चीज़ें हैं यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये जो जगह है 3.5 अपडेट की, मुझे तो बहुत पसंद आई है। आपने भी कमेंट में लाजिम बताना है कि ये वाली जगह जो है 3.5 अपडेट की आपको कैसी लगी है। अब बात करते हैं ओशियन प्लेस की। ओशियन प्लेस मैप में आपको बहुत सी जगह पे देखने को मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इसकी लुक तो है मिनी इवेंट की तरह ही है, जैसा कि मेन इवेंट है उस चीज के जैसे जो है इसमें जो है वाइब्स आती हैं कि ये जो है मिनी इवेंट के तौर पर भी ऐड किया गया है। तो आइए जो मेन चीज़ है आपको मैं दिखाता हूँ इस मिनी इवेंट की, के इसमें जो सीक्रेट जो लोकेशंस हैं लूट करने के लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इन लोकेशंस में आपको बहुत सारी जो हैं लूट देखने को मिल जाएगी। तो आपने आ जाना है इन साइड्स पे, आपको जो है गार में दाखिल होने के लिए रास्ता नज़र आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, ये चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी लूट्स हैं और किस किस तरह की लूट्स हैं। ये नॉर्मल लूट तो आपको जो है हर जगह ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन बात करते हैं इन बॉक्सेस की। ये वाले बॉक्सेस आपको इस घर के अंदर हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इनको ओपन करके देखते हैं इनमें कौन कौन सी लूट जो आपको मिल जाएगी। मेन सेंटर के अलावा आपको जो है और जगह पे भी ये बॉक्सेस शो हो जाएंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉक्सेस मौजूद हैं। आप एक साइड से एंटर हो के बेशक अपनी लूट मुकम्मल करके दूसरी साइड से आप घर से जो है बाहर जा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि 3.5 अपडेट में हमारे पास ये वाली जो जगह ऐड की गई है इसमें क्या है। अब बात करते हैं कि ये वाली जो लोकेशन है इस पे आपने क्या करना है। आपने आ जाना है इस लोकेशन पे। ये लोकेशन आपको मैप में अभी तो एक ही जगह शो हो रही है, लेकिन हो सकता है दो जगह कर दी जाए। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इस पे आपने क्या करना है। आपके पास जो 6 पिलर आपको शो हो जाएंगे, आपने इन पिलर्स के साथ आते ही इनको ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जो बने हुए हैं ये उसी टाइम उड़ जाएंगे। आपने 6 ये जो ओपन करने हैं पिलर ओपन करने के बाद आपके लिए एक स्पेशल जो लूट है वो भी शो हो जाएगी। इस स्नोबॉल में आप बेशक सरवाइव ना करें, उसी टाइम एग्जिट कर दें, लेकिन आपके पास जो है मेन लूट सेंटर में आपके पास आ जाएगी। इसको आप ओपन करके इसमें से लूट ले सकते हैं। तो ये 3.5 अपडेट की हमारे पास लास्ट लोकेशन थी। तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि 3.5 अपडेट की कौन सी जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और बेस्ट चीज़ इसमें क्या है।